हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महराज जर्नी। इस वक्त हम पंचमढ़ी में हैं और पंचमढ़ी के धूपगढ़ को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ। धूपगढ़ सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित महादेव पहाड़ियों और मध्य प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु है। धूपगढ़ की ऊंचाई लगभग 1352 मीटर है। यहाँ धूपगढ़ जाते वक्त रास्ते में ही नाग देवता का स्थान पड़ता है, तो वहाँ आप कुछ देर रुककर नाग देवता के दर्शन भी कर सकते हैं। नाग पंचमी पर यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन होता है। लोग दूर दूर से नाग देवता के दर्शन करने के लिए पदयात्रा करते हुए भी यहाँ तक आते हैं। उस दौरान यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो अभी इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, इस जगह को इको पॉइंट कहा जाता है। जब आप यहाँ तेज़ी से चिल्लाएंगे तो ये सामने पहाड़ से आपकी आवाज़ टकरा करके वापस आपकी ओर आएगी, आवाज़ गूंजेगी, तो इसलिए इसे इको पॉइंट कहा जाता है। काफ़ी अच्छी जगह है और यहाँ आपको थोड़ी देर रुक करके इस माहौल को फील करना चाहिए। तो थोड़ा आगे बढ़ने के बाद अब हम आ चुके हैं भव्य दृश्य की ओर। अब आप सामने देखिए, ये भव्य दृश्य है, कितना शानदार लग रहा है। चारों ओर ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और सामने पहाड़ों की शेप को देखिए, अलग अलग तरह की शेप में पहाड़ हैं। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं धूपगढ़ तक। धूपगढ़ का ये मेन एंट्रेंस गेट है, देखिए कितना सुंदर एंट्रेंस गेट है ये भी। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेते हैं सबसे पहले, और आगे बढ़ते हुए अब हम पहुँचेंगे सबसे पहले धूपगढ़ सनराइज़ पॉइंट पर। धूपगढ़ एक्चुअली दो चीज़ों के लिए यहाँ फेमस है, धूपगढ़ सनराइज़ पॉइंट और धूपगढ़ सनसेट पॉइंट। तो हम सबसे पहले यहाँ आ गए हैं धूपगढ़ सनराइज़ पॉइंट पर। थोड़ा सा आगे और बढ़ना है, ये आसपास देखिए आप कितना हरा भरा जंगल है। अभी वैसे भी बारिश का सीज़न है, तो वैसे भी चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब हम ये देखिए कितना बड़ा पहाड़ है, कितना प्यारा लग रहा है। देखिए यहाँ से आप रुक करके अच्छी खासी फ़ोटो सेशनिंग कर सकते हैं। तो इधर ये बड़े पहाड़ के ही जस्ट सामने, यानी इस अपोजिट डायरेक्शन में भी एक और ये छोटा सा पहाड़ है, उससे छोटा पहाड़ है, लेकिन ये पहाड़ भी काफ़ी सुंदर है। आमने सामने दोनों ये बड़े बड़े पहाड़ हैं और इसके बीच में ये इधर अपन नीचे देखते हैं तो ये बहुत बड़ी एक खाई नज़र आती है। यही धूपगढ़ का सबसे उच्चतम बिंदु है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1352 मीटर है। देखिए कितना शानदार लग रहा है, कितने प्यारे प्यारे क्लाउड्स हैं, और आसपास में देखिए बिल्कुल सामने आपको बादल नज़र आएंगे, और नीचे रास्ता देखिए एक सर्पिले आकार में बना हुआ है, और उधर सामने कोई एक सुरंग या कुछ गुफा जैसा नज़र आ रहा है, और उधर भी कोई तालाब सा कुछ नज़र आ रहा है। टोटल आसपास ग्रीनरी ही ग्रीनरी और जंगल ही जंगल, बहुत शानदार। चलिए अब हम धूपगढ़ सनसेट पॉइंट की ओर चलते हैं। जहाँ से हमने शुरू में लेफ़्ट टर्न लिया था धूपगढ़ सनराइज़ पॉइंट के लिए, अब उधर से ही हमने राइट टर्न ले लिया है वापस इधर उल्टे आकर के धूपगढ़ सनसेट पॉइंट के लिए। अब इधर भी आसपास देखिए कितना शानदार है, सामने पहाड़ देखिए, जो हमने भव्य दृश्य की ओर से जो बड़े बड़े अलग अलग शेप के जो पहाड़ देखे थे, वही पहाड़ हमें यहाँ पर भी अब देखने को मिल रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और नज़दीक से पूरे अच्छे से इस नज़ारे को देखते हैं। धूपगढ़ पहुँचना आसान है, पंचमढ़ी बस स्टैंड से धूपगढ़ की बीच की दूरी लगभग 11 किलोमीटर है। तो आप सबसे पहले बाइसन लॉज आ जाइए, वहाँ से जिप्सी हायर कीजिए, वो आपसे 1700 रुपये लेंगे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, 300-400 रुपये, लगभग 2200-2300 रुपये में आप जिप्सी हायर करके धूपगढ़ तक जा सकते हैं। धूपगढ़ क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में आता है, इसलिए आपको बाइसन लॉज से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर ही आप जा सकते हैं आप। तो धूपगढ़ सनराइज़ पॉइंट की तरह ये सनसेट पॉइंट भी बहुत ही खूबसूरत है, वर्ड्स भी कम पड़ जाएंगे यहाँ की खूबसूरती को बयां करने के लिए। गाइस, हमने पंचमढ़ी के और भी वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप उन्हें देखना भी मत भूलिएगा। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।